सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत 23 तारीख से ही फिल्म के रिव्यू रखे गए, जहां कई फिल्म क्रिटिक्स और एक्सपर्ट्स ने साल की सबसे चर्चित फिल्म देखी और उन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश की जिन्होंने देश भर में गदर मचा रखा है। समीक्षकों ने अलग अलग राय दी है। हम चुनिंदा वेबसाइट्स में छपी हुई कुछ समीक्षाओं की जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं चार समीक्षाओं में कैसा रहा पद्मावत के प्रति समीक्षाओं का नजरिया। चलिए आपको बताते हैं कि NDTV इंग्लिश न्यूज चैनल कहते हैं, संजय लीला भंसाली की बोरिंग फिल्म दीपिका के साथ न्याय नहीं करती। इन्होंने अपनी समीक्षा में भंसाली की फिल्म पद्मावत को बोरिंग बताया है। फिल्म लंबी और स्लो है। पद्मावत में काफी ज्यादा ड्रामा है जो स्टोरी लाइन को भटकाती है। शाहिद के रोल में कोई अपील नहीं है। वह फिल्म में नैतिकता और सम्मान का चोला ओढ़े हैं। रणवीर सिंह के किरदार को बहुत ही घिनौना और खूंखार कहा है। दीपिका के काम की तारीफ की गई है। फिल्म में भंसाली का आर्टवर्क पहले की फिल्मों के मुकाबले कमजोर है। 3D वर्जन के चक्कर में सिनेमेटोग्राफी कमाल की नहीं बन पाई। क्लाइमेक्स सीन दर्शकों के दिमाग में छाप छोड़ने को नाकामयाब रहा। NDTV इंग्लिश ने फिल्म को 1.5 रेटिंग पॉइंट दी है। वहीं BBC हिंदी न्यूज चैनल में बताया गया कि फिल्म को राजपूतों का गौरव बताया गया है। पद्मावत में संजय लीला भंसाली के सिनेमा की भव्यता और तड़क भड़क भरपूर मौजूद है। बताया गया है कि कैसे खान पान की आदतों से ही इन दिनों भारत में हीरो और विलन तय किया जा रहे हैं। रणवीर सिंह के खिलजी अवतार को जानवर और राजा रावल सिंह बने शाहिद को शालीन बताया गया है। दीपिका पादुकोण फिल्म में काफी खूबसूरत दिखी है। 3D इफेक्ट कमाल के हैं। ऐसा लगता है मानो आप खुद युद्ध भूमि में खड़े हैं। फिल्म दानव जैसे खिलजियों के साथ राजपूतों के टकराव की कहानी बयां करती है। राजपूतों को हीरो और मुसलमानों को अक्रांताओं को खूंखार खलनायकों की तरह दिखाया है। वही हिंदू चैनल ये बताते हैं कि भंसाली की फिल्म को राजपूतों के लिए गौरवमयी कहा गया है। तीनों मुख्य किरदारों के कई शेड्स को दिखाया गया है। जहां रणवीर क्रूर राक्षस की भांति दिखे हैं, तो शाहिद दीपिका राजपूतों के सम्मान के लिए लड़ते दिखे हैं। समीक्षक ने फिल्म में खिलजी के बहाने मुस्लिम किरदार के चरित्र चित्रण पर सवाल उठाए हैं। एक हिंदू हीरो हीरोइन और एक मुस्लिम अक्रांता की लड़ाई पर कहानी बेस्ड है। ऐसे में फिल्म क्रिटिक्स ने सवाल उठाए हैं कि ऐसा हर दूसरी हिंदी फिल्म में होता है, फिर कहां से राजपूतों के सम्मान को ठेस पहुंचने की बात आती है। डायरेक्टर ने फिल्म में इमोशन और विजुअल इफेक्ट्स को बड़े स्केल पर रिप्रेजेंट किया है। फिल्म का संगीत कुछ खास कमाल नहीं कर पाया है। कहानी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं है। शाहिद दीपिका में सेंसुअल कनेक्ट नहीं दिखता। वहीं इंडियन एक्सप्रेस अपने सकारात्मक विचारों को बताते हुए ये कहा कि पद्मावत में दीपिका बहुत सुंदर लग रही है। इससे पहले वह किसी फिल्म में इतनी प्यारी नहीं लगी। उनका वार्डरोब, गहने, उनके लुक और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पद्मावत राजपूतों की आन बान शान को दर्शाती है। भंसाली ने अपनी क्रिएटिविटी से फिल्म के हर सीन को खूबसूरत फ्रेम दिया है। यह फिल्म रणवीर सिंह के बारे में है, जिन्होंने खूंखार खिलजी के रोल को अपनी बेहतरीन अदाकारी से जीवंत बना दिया है। यह एक शानदार फिल्म है। भंसाली का काम काबिले तारीफ है। इंडियन एक्सप्रेस ने भंसाली की फिल्म को 2.5 स्टार दिए हैं। आखिर में डेली ट्रेंडिंग न्यूज के कुछ सकारात्मक विचार पद्मावत फिल्म को लेकर। संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बहुत ही मेहनत और लगन से बनाया है, जो कि आपको इस फिल्म में दिखाई देगा। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण बहुत ही सुंदर और अनोखे अंदाज में नजर आएंगी, और वहीं शाहिद कपूर और रणवीर सिंह का अभिनय भी आपके दिल को छू जाएगा। सब मिलाकर आपको पद्मावत फिल्म बहुत पसंद आएगी। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।